वेलकम टू डॉक्टर और ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से नई जो स्कॉलरशिप है पाकिस्तानी जो फीमेल स्टूडेंट है उनके लिए अनाउंस की गई है और आप जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर है और मैं आज आपको इस वीडियो में सारा तरीका बताऊंगा कि वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पूरी करनी है और कैसे अप्लाई करनी है, क्या इससे जो स्कॉलरशिप है उसका बेनिफिट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें बैचलर्स 2024-2025 स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल 2024। अच्छा, तो अब ये जो स्कॉलरशिप है इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप पढ़ेंगे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो कि HEC की तरफ से रिकॉग्नाइज है और इस डिग्री के ऊपर जो आपकी बैचलर डिग्री होगी या मास्टर डिग्री होगी उसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा, चाहे वो हॉस्टल से लेके या जो और आपकी जितनी भी फीस होगी उनसे लेके और आपको ये जो है मंथली वैसे भी पे करेंगे, ये सारा जो खर्चा होगा ये ब्रिटिश ये जो स्कॉटलैंड की हुकूमत है ये पे करेगी। तो हम ये देख लेते हैं कि इसके ऊपर आपने अप्लाई कैसे करना है और इसकी जो है आगे क्या डिटेल्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर इनके जो फेसबुक पेज है ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान की तरफ से, ये इनका ऑफिशियल पेज है, तो अगर आप यहाँ पे नीचे मूव करें तो ये इन लोगों ने ये पोस्ट लगाई हुई थी। अच्छा, तो अब हम जाते हैं कि आपने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, एक और चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो अगर आप देखें माइनॉरिटीज़ एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आर हाईली इंकरेज टू अप्लाई। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप माइनॉरिटी डिक्लेयर हैं पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और अगर आपको कोई ना कोई अगर वैसी डिसेबिलिटी है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें और आपके जो है 100% चांस है कि फिर आप इस जो स्कॉलरशिप में हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये जो है इन लोगों को ज़्यादातर ये सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखें आपने अप्लाई कैसे करना है तो आप अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है britishcouncil.pk की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे और आपको यहाँ पे जैसे ही मैंने बता रहा हूँ स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन ये आपको नज़र आ जाएगा डायरेक्ट। इसकी मैं लिंक आपको नीचे भी दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो अप्लाई करने में। तो आप यहाँ पे जो है इसकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं और आप मास्टर जो डिग्री कर रहे हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो बैचलर पाकिस्तान में कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अंडर ग्रेजुएट लेवल फॉर अ 4-ईयर बैचलर डिग्री इन एनी HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अक्रॉस पाकिस्तान और सेम जो है मास्टर या MPhil आप कर रहे हैं किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से तो वो इसके अंडर लाई करती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो बेनिफिट हैं आपको क्या क्या मिल रहे हैं, ट्यूशन फ़ी आपको मिलेगी जो कि एलिजिबल कोर्सेज होंगे, मतलब के मेरे ख़्याल से जो कोर्सेज़ फ़ेल होते हैं उनकी ये लोग फ़ीस नहीं देते और जो आपके लीगल वैसी जो आम सेमेस्टर चल रहे होते हैं उनकी फ़ीस आपको जो है वापस हो जाती है। यूनिवर्सिटी हॉस्टल कॉस्ट वेयर एप्लीकेबल, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो डेफिनेटली फिर वो वाली जो सिप्स वगैरह हैं अटैच करनी होगी। इसका आगे हम प्रोसेस देखते हैं कि आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करानी है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद ट्रैवल टू एंड फ्रॉम, अगर आपके कोई और बस के चार्जेस वगैरह हैं, आप कोई बस अवेल की हुई है या कोई और ट्रांसपोर्टेशन है तो उसके भी, मतलब कि आपको जो है अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट एरिया हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्कॉलरशिप विल कवर आ 4-ईयर बैचलर डिग्री एट एनी HEC रिकॉग्नाइज पाकिस्तानी पब्लिक यूनिवर्सिटी इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एरिया ओनली। तो यहाँ पर एजुकेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी है, फूड एंड फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर है, हेल्थ साइंस है एंड स्टेम है। स्टेम जो है ये सिर्फ मास्टर की डिग्री के लिए, स्टेम को आपको पता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड जो मैथमेटिक्स है इनके ये इस अम्ब्रेला के अंदर जो जो डिग्रियां फॉल करती हैं वो फिर जो अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो फिर वो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, तो अब जो इसके लिए जो फर्दर एक और, एक तो आपका ये डिग्री है बैचलर करें किसी या MPhil करें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से, वो तो एक क्राइटेरिया है ही है। उसके बाद ये जो है एक और यहाँ पर क्राइटेरिया है, आप पाकिस्तान के नेशनल हों या आपके आप CNIC आपका यहाँ पर हो, आप जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका एडमिशन जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में कंफर्म हुआ हो। अब आप कहेंगे इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपने इस तरह करना है जैसे आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जी बैचलर्स का ऑप्शन और मास्टर का, अगर आप मास्टर में करना चाहते हैं तो वो उसका ऑप्शन है। अभी हम बैचलर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा अप्लाई नाउ www.research.net, इसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास ये जो लिंक है ये ओपन हो जाएगी, आपको ये जो है इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन फर्दर मिल जाएगी और इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए जी कॉपी ऑफ CNIC और फॉर्म भी, और ये जो है दोनों की चाहिए, और जो स्टूडेंट है जो अप्लाई कर रहा है उसकी भी चाहिए और उनके जो पेरेंट है या गार्डियन है उनकी जो CNIC जो हैं वो रिक्वायरमेंट होंगे। अच्छा, अब ये जो है आपने ये करना है कि इनकी जो भी आप कॉपियां लें
वो काफ़ी विजिबल हों, इसमें फ्लैश वगैरह ना यूज़ हो, जो कि ताकि जो है आपकी फिर जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो जाए। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सैलरी स्लिप ऑफ पेरेंट गार्डियन इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय और पेंशन स्लिप इन केस ऑफ फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। अगर आपके जो पेरेंट है वो रिटायर हो गए हैं तो पेंशन स्लिप या वैसी अगर हाजिर सर्वर किसी भी प्राइवेट इदारे में या सरकारी इदारे में है तो आपकी जो सैलरी स्लिप है वो इसके साथ अटैच होगी। और एनी सपोर्टिंग लेटर ऑफ प्रूफ ऑफ पेरेंट गार्डियन ऑक्यूपेशन, फर्ज करें कोई आपके जो पेरेंट है या गार्डियन है ऐसा कारोबार या बिजनेस करते हैं, फार्मर हैं या कोई और इस तरह काम करते हैं जिसमें सैलरी स्लिप वगैरह नहीं होती, आप कोई ना कोई जो प्रूफ होगा या कोई जो है रसीद वगैरह होगी वो आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे जो है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिजल्ट शीट ऑफ मोस्ट रिसेंट कंप्लीटेड एजुकेशन डिग्री, जो आप अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो FEC का है वो आपका रिजल्ट कार्ड लगेगा, और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो बैचलर की जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो इसके साथ अटैच होगी। उसके बाद नंबर 4 पे है कॉपी ऑफ ऑफर लेटर और कन्फर्मेशन एडमिशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो आपको एक ऑफ़र लेटर मिलता है, अगर आप टेस्ट वगैरह पास कर लेते हैं तो आपका एडमिशन का ऑफ़र लेटर होता है, उसमें आपकी जो स्लिप है एडमिशन स्लिप है पहले सेमेस्टर की वो अटैच हो जाती है। तो असल में वो वाला जो लेटर है आपने इसके साथ अटैच करना है। प्लीज़ नोट दैट यू मे सबमिट दी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन विदाउट एन ऑफर लेटर, बट स्कॉलरशिप ऑफर लेटर विल नॉट बी मेड अनलेस एन ऑफर लेटर ऑफ प्रूफ ऑफ एडमिशन हैज़ बीन सबमिटेड टू दी ब्रिटिश कौंसिल अपॉन रिक्वेस्ट। अच्छा, अगर किसी को ये ऑफर लेटर नहीं भी मिला तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं बाद में इसका, मगर बेहतर यह है कि आप जो ऑफर लेटर है वो इसके साथ अटैच करें। कॉपी ऑफ टोटल ट्यूशन फी फॉर द प्रोग्राम एंड हॉस्टल फ़ी, अगर आप हॉस्टल में हैं तो और अच्छा है, आपको ये वाली फ़ीस भी रिटर्न हो जाएगी, और अगर आप हॉस्टल में नहीं हैं तो आप जो सिर्फ ट्यूशन फ़ी है वो आप मेंशन कर लें। उसके बाद स्कैंड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये लोग जो डिसेबल लोग होते हैं उनको ये ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं माइनॉरिटीज़ को, तो आपके पास अगर वो वाला सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का तो वो आप इसके साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद आपके पास 500 to 1000 पर की जो है पर्सनल स्टेटमेंट होगी, इसमें ये आप बताएंगे कि मैं इसके स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरे क्या गोल हैं और इस स्कॉलरशिप से मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसकी जो है आपने 500 to 1000 पर की जो एक पर्सनल स्टेटमेंट है वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नोट एप्लीकेशन विद द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विल नॉट बी कंसीडर, आप ये कोशिश करें कोई जो ऐसी कोई फेक वगैरह है वो ना। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ अपलोड दी अबव मेंशन डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल PDF फाइल, तो आप ये करें एक PDF फाइल बना लें या कोई वर्ड की डॉक्यूमेंट खोलें, उसमें जो है सारी पिक्चर वगैरह क्लियर अटैच कर लें और उसको जो है PDF एक्सपोर्ट कर लें और साथ में जो है अटैच कर लें। उसके बाद ये जो है 16 MB से कम होनी चाहिए यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे, और ये तो ये 5-10 जो है मिनट का ये एप्लीकेशन प्रोसेस होगा और ये एक बार जो है सबमिट हो जाएगी। तो जब ये एक बार सबमिट हो जाएगी तो ये आपको फिर खुद ही कॉल कर लेंगे। अच्छा, ये फिर आपका जो है इस साल या अगले साल के आखिर में या इस तरह जो है आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए कोई IELTS की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई जो है आपका कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। तो चले चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद इस तरह की जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियो है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो है, वो इस चैनल के ऊपर आती रहेंगी। तो चले चलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।